फ्रेंड्स, आज हम डीए सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 5 मैथ 212 मैथ 7 चैप्टर 7 मैथ 233 इंटीग्रेशन इसका पार्ट 3 कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट थी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, साइन 2x और कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे कॉस स्क्वायर x को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। कॉस स्क्वायर है तो ये कॉस x और कॉस x कर देंगे। और ये आपको पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है, टैन होता है, और वन ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है। ये इसका फॉर्मूला है, सीकेंड एक्स टैन एक्स इक्वल टू होता है सीकेंड एक्स, इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स टैन एक्स, ये टैन एक्स सीकेंड एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। यहाँ पर एक्स की बजाय क्या लिखा हुआ है, टू एक्स, तो टैन टू एक्स सीकेंड टू एक्स, तो सीकेंड टू एक्स आएगा यहाँ पर। और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उससे हमने डिवाइड भी करना है, जो भी होगा। मतलब यहाँ पर अगर टैन थ्री एक्स होता और सेकेंड 3x होता तो फिर हम सेकेंड 3x डिवाइड बाय 3 लिखते हैं। x का कोएफिशिएंट वो लिख सकते हैं, या हमने देखना होता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो भी डेरिवेटिव आएगा वो आपने नीचे लिखना होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंड एक्स, और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेकेंड एक्स। अब ये फार्मूलाज हैं, सीकेंड एक्स क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह भी हमने क्या लिख दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर। और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर किसका एंटी रेसिप्रोकल होता है, वन ओवर टेन स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर से ये टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब फिर ये फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये दो टर्म्स हैं, हम इनको अलग अलग कर लेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये टेन एक्स होता है और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, कॉस एक्स साइन 3x। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम ये फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर देखें, टू है शुरू में, तो यहाँ पर टू नहीं है, तो टू लाने के लिए हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया और इसको अरेंज कर लिया, साइन 3x को पहले लिख लिया और कॉस एक्स को बाद में। अब ये समझ लें कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये टू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये 4x हो जाएगा, 3x प्लस एक्स, और 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो ये 1 बाई टू साइन 4x और 1 बाई टू साइन 2x। और साइन x का एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस x। अब यहाँ पे देखें, साइन x की बजाय क्या लिखा हुआ है, 4x, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, माइनस कॉस 4x ओवर 4, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x है, तो साइन 2x का आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, x के साथ जो भी वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये 1 बाई टू इसे कॉन्स्टेंट को हमने बाय लिख लिया, तो ये माइनस कॉस 4x ओवर 4 माइनस कॉस 2x ओवर 2, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 4x और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कॉस 2x हो जाएगा। इस 4 को बाहर लिख लें, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, ई 3x प्लस ई 5x। इसको हमने ये प्लस हो रहे थे दोनों को अलग अलग कर लिया, ई का एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला ई एक्स का, ई एक्स ही होता है। यहाँ पे देखें ई एक्स की बजाय क्या है, ई 3x है, तो ई 3x का ई 3x ही आएगा और फिर जो x के साथ वैल्यू होगी उससे आपने डिवाइड करना है। इसी तरह ई 5x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5।
तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब है जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है जी एक्स रेज टू पावर 3, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही है, पावर में हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, तो एक्स 4 ओवर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ई टू एक्स ये हमने पिछली स्लाइड में किया था, ई थ्री एक्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे देखें ई टू एक्स डिवाइड बाय एक्स के साथ जो भी होगा उससे डिवाइड करेंगे। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन तो साइन एक्स आ जाएगा। और फिर ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करते हैं, तो टेन की पावर यहाँ पे क्या दी हुई है 1, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा और उसी से फिर डिवाइड करना है। यहाँ भी यही है एन प्लस 1 है तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो एन प्लस 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसका 6 पार्ट है जी, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पावर में 1 प्लस करना है और उसी से डिवाइड करना है, तो 1/2 प्लस 1 और यहाँ डिवाइड हो गया तो ये 3/2 हो गया, तो इसको हमने उल्टा कर लिखना होता है, 3/2 को उल्टा कर लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। सेकेंड एक्स का एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर इसमें हमने ये देखना होता है कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए, ए यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ए मौजूद नहीं है, तो हमने देखें ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और जब मल्टीप्लाई किया तो फिर ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो तो पावर में हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, तो पावर इसकी 1 थी तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और उसी से डिवाइड भी करना है, और ये ए जो है ये 7 आ जाएगा। यह है ए प्लस एक्स ओवर एक्स, इसे अलग अलग कर लें तो ए ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, ए कांस्टेंट है इसे बाहर लिख सकते हैं, एक्स ओवर एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे देखना है इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो ऊपर मौजूद है, तो डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है एक्स और प्लस सी लगाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, कॉट एक्स नीचे है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ऊपर है, तो हमने देखना है कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स तो है माइनस नहीं है, तो फिर हमने 2 टाइम्स माइनस लगा दिया तो ये प्लस के ही इक्वल होता है, यहाँ पे देखेंगे प्लस तो था ना, अंडरस्कोर है यहाँ प्लस है, तो हम इस प्लस को 2 टाइम्स माइनस में लिख सकते हैं। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे फंक्शन डेरिवेटिव मौजूद हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ये इसका एंटी डेरिवेटिव होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू जी।